हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम है। आज है 23 फरवरी और आज हमारी एनिवर्सरी है। सुबह से मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। सोचा चलो मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, साथ साथ में बाकी काम भी कर लेती हूँ। अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है, फिर तैयार भी होना है। तो अभी मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। खाना बनाकर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए खाना बनाना शुरू। अभी हमने खाना भी बना लिया है, पूजा भी कर ली है और आज हमारे घर अंकल भी आए हैं। अभी ये अपना काम कर रहे हैं। हेलो बोलो। हेलो। आज हम दोनों की एनिवर्सरी है और ये रहा एनिवर्सरी का केक। अब केक कटिंग करेंगे, इनके फ्रेंड भी आ गए हैं तो हम केक कट कर लेते हैं। सदा सदा सौभाग्यवती रहो, मिलकी रहो। युवान पता कैसे चल रहा है? इसलिए आईडी मेरी है, मेरे को दूसरे फोन पे दिख जाता है। मैंने अपने फोन से ऑर्डर किया और इनको क्या फायदा? तो फ्रेंड्स, अभी हमने केक वगैरह सब कुछ काट लिया है और मैंने खाना भी बना लिया है। फ्रेंड्स, आज अगला दिन है और अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। आज मौसम कुछ ऐसा ही है, ठंडा सा है, ठंड भी नहीं है, गर्मी हो रही है। इसकी वजह से कहीं पर आग लगी है, आई थिंक बाहर। वहाँ निकल रहा है ना सामने, ये देखिए, इसकी वजह से आज बहुत गर्मी हो रही है। मैं जूम करके बताती हूँ आपको। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बिल्डिंग के पीछे, ये आज देखिए किस तरह का मौसम है। और इस मौसम की वजह से इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। तो अभी हम बाहर हैं, मैं और युवान, युवान के पापा रूम में हैं। तो पिछले कल मैंने केक कटिंग के बाद थोड़ा सा शूट किया था, फिर खाना बना खिलाया, तो बहुत टाइम हो गया था मुझे काम करते करते। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और सुबह भी मैंने घर का काम किया है। तो अभी मैं अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूंगी जो मुझे युवान के पापा ने दिया है। आपको भी बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया है। अभी तक मैंने भी खुद नहीं देखा, मुझे तो हल्का सा लग रहा था पर पता नहीं। चलो अभी देखते हैं अंदर जाकर, उसके बाद नहीं बाद में चलते हैं बच्चों। अभी अभी जो पापा ने गिफ्ट दिया था मम्मा को रात को, उसको देखना है मैंने। पापा ने दिया था ना मम्मा को, अंदर चलते हैं अभी। चलिए मैं खोलती हूँ उसको, क्या गिफ्ट दिया था इन्होंने। तो ये है वो गिफ्ट। तो देखने में तो ये देखिए देखो आप, हल्का सा ये ऐसे लग रहा है खाली है कुछ। तो अब देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। क्या दिया आपने मुझे गिफ्ट में? तो चलिए आप इसको अनबॉक्स करती हूँ। हल्का सा ये, इसमें लग तो कुछ भी नहीं रहा है, एक छोटा सा बॉक्स है। क्या है इस बॉक्स में? खोलो। खोल कर देखना मम्मा। ठीक है तो मैं खोलती हूँ इसको। मुझे खोल कर देखना मम्मा जी। देखते हैं। पापा मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं कर रहे। अरे बाप, पर्स दिया इन्होंने। क्या दिया? वाजिबा, दिया इसने तो कुछ। नोज पिन, ये आपकी पसंद है? कैसी लगी? बहुत अच्छी है। ये देखो फ्रेंड्स, नोज पिन दिया इन्होंने मुझे।
तो अभी मैं इसको खोल के ट्राई करती हूँ कि आपको बताऊंगी पक्का थोड़ी देर के बाद। तो भाई साहब इन्होंने तो मुझे ये गिफ्ट दिया और जो गिफ्ट मैंने इनको मंगवाया था तो क्या हुआ मेरे साथ की मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो मेरा और इनका अकाउंट जो वो एक ही है, मुझे इस बात का पता नहीं था और जैसे ही मैंने ऑर्डर किया तो इनको पता चल गया था। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपने कुछ मेरे लिए मंगवाया, मैंने बोला नहीं तो बाद में बोलते मंगवाया तो है शूज तो मंगवाए क्या फ़ायदा उस देने का, और तो मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ और लेके आती, तो कोई बात नहीं अगले टाइम ऐसा नहीं होगा। आपको कैसे लगे सूट मेरे? ये देखिए जो जो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमने वो सब कुछ इधर ही है कैसे लगे आपको मेरी गिफ्ट जो मैंने आपको दिया? ठीक है, इनका मानना है कि आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो तो मेरी पसंद से होना चाहिए, ठीक है मुझे पता चल गया तो कोई बात नहीं इस बार ऐसा ही सही। तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने डाल ली अभी, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे बड़ी बड़ी नोज पिन डालने का बहुत शौक है लेकिन छोटी भी डाल लेती हूँ ऐसी बात नहीं है, छोटी डाली थी यहाँ आते टाइम घर में, मैं बड़ी नोज पिन डालती हूँ ठीक है, बड़ी लेके दे दी इन्होंने, नहीं तो मैं घर में जाकर लेती और घर में मैं बड़ी नोज पिन डालती, पर चलो दे दिया इन्होंने गिफ्ट तो अच्छी बात है, तो गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त कर दूंगी, आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।